मैं गिरिजेश सर, आप सभी का इस एसजीसी ग्रुप ऑफ कॉलेजेज यानी एसजीसी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्वागत करते हैं। आज हम लोग एक इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अनुसार या नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अनुसार जो बीएससी पार्ट वन का सिलेबस डिजाइन किया गया है उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। इसके डिस्कशन के बाद हम लोग डे बाय डे एक एक टॉपिक पर डिस्कस करते जाएंगे जिससे कि आप लोगों का जो सिलेबस है वो बेहतर तरीके से वो कवर हम लोग कर पाएँ, जिससे आप लोगों को एक बेस्ट यहाँ से फ़ायदा होने वाला है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अनुसार जो न्यू सिलेबस आया है उसको डिस्कस करेंगे आज। न्यू सिलेबस, और वे न्यू सिलेबस किसके लिए? बीएससी पार्ट वन या फर्स्ट सेमेस्टर सेमेस्टर फर्स्ट। तो इस फर्स्ट सेमेस्टर में हम लोगों का जो सिलेबस डिजाइन हुआ है पूरे सिलेबस को कुल 8 यूनिट में डिवाइड कर दिया गया है, जिसमें से हम लोग एक एक यूनिट के बारे में थोड़ी थोड़ी जो है आज डिस्कशन करेंगे। इसमें हम लोगों को क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए हमारे पढ़ने की, उन सारी प्रॉपर्टी पर हम लोग जो है डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट स्टार्ट करते हैं। हम लोगों का जो पहला यहाँ से पहला यूनिट है, तो फर्स्ट यूनिट हम लोगों का है क्या, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल ऑर्गेनेल फर्स्ट, यानी कि जो सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं उनका स्ट्रक्चर कैसा है, फंक्शन क्या है। तो इसमें फर्स्ट हम लोग सबसे पहले डिस्कस करेंगे, यानी आने वाले पार्ट 2 में या नेक्स्ट पार्ट में जितने भी पार्ट आए हैं उनमें हम लोग डिस्कस करेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के केमिकल स्ट्रक्चर। केमिकल स्ट्रक्चर में इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं, जैसे हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे कौन कौन से लिपिड इसमें आते हैं, प्रोटीन का स्ट्रक्चर क्या है, कौन कौन से प्रोटीन इन्वॉल्व होते हैं हमारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन को बनाने के लिए, इस पर डिस्कस करेंगे। जैसे कि हम लोग जानते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन हमारा क्या होता है, ये किसी भी सेल का यानी आउटर कवरिंग होता है, किसी भी सेल का, चाहे वह यूकेरियोट हो, प्रोकेरियोट हो, बैक्टीरिया हो, कोई भी हो, तो उनका जो आउटर आउटर वॉल है या जो आउटर कवरिंग होती है, आउटर कवरिंग वो क्या होती है, वो होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, तो इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन में इसका स्ट्रक्चर कैसा है, इसका फंक्शन क्या है, इसमें किस तरह से इंडोसाइटोसिस, एक्जोसाइटोसिस, ये सारी फंक्शंस जो परफॉर्म करती हैं, इन सारे फंक्शंस को हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे। इसके बाद हम लोग डिस्कस करने वाले हैं दूसरे नंबर पर, हम लोग डिस्कस करेंगे हमारा जो सिलेबस है सेल सेल इंटरेक्शन, सेल एडहेशन मॉलिक्यूल, इसके अलावा सेल जंक्शन, इन सबको भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इन सबको डिस्कस करने वाले हैं हम लोग। चलिए थोड़ा थोड़ा इंट्रोडक्शन हम लोग सबके बारे में कर लेते हैं। तो मैं यहाँ से अगर इसको इरेज कर लें, चलिए यहाँ से इरेज करके, चलिए यहाँ से, ठीक है, तो यहाँ से हम लोगों ने इरेज किया, या मैं पेन चेंज कर लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ से सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि यहाँ से क्या है सेल और सेल का इंटरेक्शन क्या होता है, इन सबको बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे मान लो इंटरेक्शन का मतलब क्या हो गया, एक सेल ये है, दूसरा सेल ये है, ये क्या करते हैं आपस में बहुत सारे मटेरियल्स का क्या करते हैं, एक्सचेंज करते हैं, एक्सचेंज करते हैं, यानी इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, इसको सेल कम्युनिकेशन वगैरह कह सकते हैं। एक सेल दूसरे सेल के साथ इंटरेक्ट करते हैं जिसके द्वारा वो अच्छे से अपने कार्य को क्या करें, परफॉर्म कर सकें। इसके अलावा कुछ एडहेशन मॉलिक्यूल हैं, एडहेशन मॉलिक्यूल को भी हम लोगों को यहाँ पर डिस्कस करना है। एडहेशन मॉलिक्यूल में जैसे हम लोग आगे पढ़ेंगे इसमें कैडेरिन होता है, इसके अलावा बहुत सारे एडहेशन मॉलिक्यूल्स होते हैं, सबको एक बाय वन करके हम लोग डिस्कस करेंगे।
इसके अलावा सेलुलर जंक्शन होता है, सेलुलर जंक्शन को हम लोग डिस्कस करेंगे। ये सेलुलर जंक्शन क्या है, जैसे हम लोगों को पता है कि हमारी जो बॉडी होती है यानी किसी भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की बॉडी जो होती है वो मल्टी सेलुलर यानी कि बहुत सारे सेल से बना होता है। अब हर सेल क्या होते हैं, एक दूसरे के साथ कहीं ना कहीं क्या होते हैं, जुड़े रहते हैं। तो उन्हें जुड़ने के लिए अलग अलग तरह के अलग अलग मोड से वो जुड़े होते हैं। जैसे इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं, इसमें हम लोग आगे पढ़ेंगे टाइट जंक्शन। इसके अलावा गैप जंक्शन और इस तरह से हेमिडेस्मोसोम, ये बहुत सारे जंक्शंस होते हैं जिस जो क्या करते हैं, एक सेल को दूसरे सेल के साथ अटैच करने में हेल्प करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे और इन जंक्शन के वजह से क्या होता है, कई बार न्यूक्लियर एक्सचेंज होता, मतलब कई बार जो मटेरियल हैं उनका एक्सचेंज भी होता है। तो ये हम लोग अलग अलग तरह के जो जंक्शन हैं उन सब पर भी डिस्कस करेंगे। इसके अलावा जो हमारा टॉपिक आता है इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम में ये बहुत सारे अच्छे अच्छे टॉपिक्स ये डिज़ाइन हुए हैं। जो पहले ये इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम, टारगेटिंग प्रोटीन, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, इसमें इन सबको भी डिस्कस करेंगे। इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम में हम लोग पढ़ेंगे आगे चल करके, इसमें हम लोग पढ़ेंगे इंडो प्लाज्मिक रेटिकुलम यानी ER को पढ़ने वाले हैं, गॉल्जी को पढ़ने वाले हैं। इसके अलावा इसी में हम लोग पढ़ेंगे आगे लाइसोसोम, ठीक है, इसी में हम लोग पढ़ने वाले हैं लाइसोसोम, ठीक है। तो इन सब पे भी डिस्कस हम लोग करेंगे। आगे हम लोग देखेंगे प्रोटीन टारगेटिंग में हम लोग क्या देखते हैं कि जैसे प्रोटीन हमारा सिंथेसाइज कहाँ पर होता है, या तो साइटोप्लाज्म में होता है या फिर जो हमारे पास न्यूक्लियस के ऊपर पाए जाने वाले राइबोसोम्स होते हैं, जैसे मान लो या यहाँ पर देखेंगे ये न्यूक्लियस, ये हमारा सेल है, सेल के अंदर ये न्यूक्लियस है। अब न्यूक्लियस के ऊपर या तो या ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, इस पर बहुत सारे प्रोटीन्स लगे इस पर बहुत सारे क्या लगे होते हैं, राइबोसोम्स लगे होते हैं। अब ये राइबोसोम्स या कुछ राइबोसोम्स फ्री भी होते हैं तो जितने भी प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है वो या तो अटैच राइबोसोम से होता है या फिर कहाँ पर होता है, इस साइटोप्लाज्मिक राइबोसोम के द्वारा होता है। अब इनका सिंथेसिस तो कहाँ पर होता है, ये साइटोप्लाज्म के बाहर होता है, न्यूक्लियोप्लाज्म के बाहर होता है, लेकिन कई सारे ऐसे एंजाइम्स हैं जिनकी ज़रूरत पड़ती है कहाँ पर, यानी सेल के न्यूक्लियस के अंदर। तो यहाँ से जो प्रोटीन बने हैं इनका ट्रांसपोर्टेशन करना एक जगह से दूसरे जगह पर, यानी इन्हें पैक किया जाता है, पैक करने के बाद उनको एक जगह से दूसरे जगह पर क्या किया जाता है, ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है, ठीक है। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, उनकी पैकिंग, उनको अलग अलग जगह पर भेजना, ये कहलाता है प्रोटीन टारगेटिंग। इसके अलावा हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पर इंडोसाइटोसिस में ये देखेंगे कि जैसे ये हमारे पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन है तो इसमें जितने भी मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके डिफ्यूजन के लिए, यानी वो सेल के अंदर जाना या बाहर जाना, ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे एक्सोसाइटोसिस में, यानी कोई भी मटेरियल सेल से बाहर जाता है, इंडोसाइटोसिस में कोई भी मटेरियल है वो सेल के अंदर ट्रांसपोर्ट होता है, ठीक है। तो ये हम लोग पहले यूनिट में इस तरह से देख लेंगे। सेकेंड हम लोग दूसरा यूनिट हम लोगों का होगा साइटोस्केलेटन सेकेंड, यहाँ से दूसरा जो हमारा यूनिट है यूनिट नंबर सेकेंड, इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ ऑर्गेनेल्स, सेल ऑर्गेनेल सेकेंड। तो इसमें हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, साइटोस्केलेटन में माइक्रोट्यूब्यूल पढ़ेंगे, इंटरमीडिएट फिलामेंट पढ़ेंगे, इसमें सारी चीज़ों को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। जैसे साइटोस्केलेटन क्या होते हैं, यानी यही जो हमारे बॉडी हमारे सेल को जिस तरह से हमारे अंदर हमारे बॉडी को एक स्ट्रेट रखने के लिए क्या पाए जाते हैं, स्केलेटल सिस्टम पाए जाते हैं,
उसी तरह से सेल को स्ट्रेंथ देने के लिए सेल के अंदर क्या पाई जाती है, साइटोस्केलेटन पाई जाती है, जो सेल के अलग अलग मॉलिक्यूल्स को, कार्गो को क्या करते हैं, वो ट्रांसपोर्ट कर यानी मूवमेंट में भी हेल्प करते हैं। इसके अलावा इनमें कई तरह के जैसे सेल डिवीजन में मॉलिक्यूल को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करते हैं, स्पिंडल फाइबर बनाने में हेल्प करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ने वाले हैं। इसके अलावा हम लोग पढ़ेंगे माइटोकॉन्ड्रिया, जो कि हम लोग पहले से ही पढ़ते चले आए हैं। इसे क्या कहा जाता है, पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है। ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे। इसमें ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन क्या होता है, क्रेब्स साइकिल क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ने वाले हैं माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, ठीक है। इसी तरह से हम लोग पढ़ेंगे पराक्सीसोम, इसके अलावा राइबोसोम का स्ट्रक्चर, फंक्शन, ये सारी चीज़ें पढ़ने वाले हैं। देखिए पराक्सीसोम जैसे ये प्लांट में भी पाए जाते हैं, तो इस तरह से ये सारी चीज़ें हम लोग करने वाले हैं। आगे हम लोग इसी में पढ़ने वाले हैं क्या, न्यूक्लियस। यूनिट थर्ड हमारा क्या है, न्यूक्लियस एंड क्रोमेटिन मटेरियल। तो न्यूक्लियस क्या होता है, इनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। न्यूक्लियस जैसे कि हम लोग जानते हैं क्या कि हमारे पास, जैसे हमारे बॉडी को कंट्रोल करने के लिए हमारे पास ब्रेन मिल रहता है, उसी तरह से सेल के जो स्ट्रक्चर है, फंक्शन है, उनकी सारी चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए सेल के अंदर क्या पाया जाता है, न्यूक्लियस पाया जाता है। इसके अलावा क्रोमेटिन स्ट्रक्चर क्या होता है, जैसे पहले हमारा जो न्यूक्लियस के अंदर क्या पाई जाती है, जो क्रोमेटिन मटेरियल होते हैं वो बहुत थ्रेड लाइक होते हैं, फिर उसमें हम लोग देखते हैं कि क्वाइलिंग बहुत ज़्यादा होती है, फिर वो क्वाइलिंग जो है कंडेंसेशन उसमें होना स्टार्ट हो जाता है, फिर वो कंडेंस होकर के क्या बना लेता है, क्रोमोसोम, एंड देन डीएनए का फॉर्मेशन करता है। तो इसको हम लोग डीएनए पैकिंग के रूप में भी पढ़ेंगे आगे, डीएनए सुपर क्वाइलिंग या क्रोमेटिन ऑर्गेनाइजेशन में हम लोग पढ़ने वाले हैं। यहाँ पर पैकिंग ऑफ डीएनए, यहाँ पर पढ़ने वाले हैं पैकिंग, पैकेजिंग ऑफ डीएनए, जिसमें हम लोग देखेंगे कि पहले जो अभी क्रोमेटिन नेटवर्क हुआ करता था वही कंडेंस होकर के आगे डीएनए का फॉर्मेशन किस तरह से करेगा, ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। इसके अलावा डीएनए का जो स्ट्रक्चर क्या है, कैसे बनता है, इसमें कौन कौन से यूनिट होते हैं, पॉलीपेप्टाइड होता है, ये पॉलीमर होता है, ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। आरएनए का फॉर्मेशन कैसे होता है, किस तरह से पॉलीपेप्टाइड जो चेन होते हैं वो आपस में जुड़े रहते हैं डीएनए के अंदर, ये सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए आगे हम लोग यूनिट नंबर फोर्थ की बात करते हैं। फोर्थ यूनिट, ठीक है, फोर्थ यूनिट की हम लोग बात करेंगे। इसको मैं चलिए फोर्थ यूनिट में हमारा क्या है, यहाँ से सेल साइकिल, यूनिट हमारा फोर्थ यहाँ पर है सेल साइकिल। तो सेल साइकिल में हम लोग देखेंगे क्या क्या एक्टिविटी होती है, किस तरह से हमारा सेल जो है डिवाइड करता है। जैसे सेल डिवाइड कब करता है, जब उसका न्यूक्लियर और साइटोप्लाज्मिक जो इंडेक्स है वो डिस्टर्ब होता है, तो सेल जो है वो क्या होता है, डिवाइड कर जाता है। तो उसको डिवाइड करने के लिए, जैसे मान लो ये हमारे पास सेल है, तो ये सेल क्या होता है, अलग अलग फेजेज में ये डिवाइड हो जाए, तो इसको हम लोग डिवाइड कर लेते हैं अपने सुविधा के अनुसार। क्या इसको, जैसे हम लोग G1 फेज मान लेते हैं, इसके अलावा S फेज मान लेते हैं, G2 फेज मान लेते हैं, ये सारे फेजेज हम लोग पढ़ने वाले हैं। इसके अलावा इधर जो हमारा मैचुरेशन फेज हो जाएगा, साइटोकाइनेसिस हो जाएगा, तो ये सब चीज़ें हम लोग वन बाय वन करके डिस्कस करने वाले हैं। इसके अलावा यहाँ पर सेल डिवीजन हम लोग पढ़ेंगे, जो बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है, पहले से भी ये रहा है, आज इस न्यू सिलेबस में भी है। चलिए इसी तरह से हम लोग सेल सिग्नलिंग पढ़ेंगे, जैसे एक सेल किस तरह से दूसरे सेल को सिग्नल देता है, जिससे ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। इसी तरह से हम लोग सेल डिवीजन, माइटोसिस, मियोसिस भी पढ़ेंगे, सेल साइकिल पढ़ेंगे, रेगुलेशन ऑफ सेल साइकिल पढ़ेंगे, एपोप्टोसिस, एपोप्टोसिस में कैसे सेल अपने आप को एक प्रोग्राम बनाता है, प्रोग्राम बनाने के बाद वो सेल की डेथ हो जाती है, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, एपोप्टोसिस कहते हैं, प्रोग्राम सेल डेथ, प्रोग्राम सेल डेथ, प्रोग्राम सेल डेथ। चलिए यहाँ से इसको
प्रोग्राम सेल डेथ। ठीक है, तो इस किस तरह से सेल एक पर्टिकुलर मैनर में चल करके अब उसकी डेथ हो जाती है। इसके अलावा सिग्नल ट्रांजेक्शन पढ़ेंगे, किस तरह से एक सेल के अंदर दूसरे, एक सेल से दूसरे सेल के अंदर सिग्नल ट्रांजेक्शन होता है, वो सिग्नल जाता है। इसके अलावा सरफेस रिसेप्टर वगैरह पढ़ेंगे, जैसे हमारे पास कई सारे ऐसे हार्मोन्स होते हैं जिनके लिए जो रिसेप्टर बाइंड होते हैं वो क्या होते हैं, सेल के सरफेस पर पाए जाते हैं। जैसे मान लो ये मेरे पास सेल है, तो सेल के इस तरह से बहुत सारे हार्मोन्स के लिए क्या होते हैं, रिसेप्टर यहाँ पर होते हैं, और यहाँ से जो लिगैंड मॉलिक्यूल है इसे रिसेप्ट कर जाते हैं, जिससे कि इनका सिग्नल जो है अंदर ट्रांसफ़र होता है, ये सिग्नल ट्रांसफ़र होता है। तो इस तरह से ये हम लोग भी इसको पढ़ेंगे। इसके अलावा जी प्रोटीन लिंकेड रिसेप्टर क्या हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इसके अलावा अब हम लोग आ जाएंगे किस पर, यूनिट नंबर फिफ्थ में। तो पाँचवें यूनिट में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक होता है और इसको सभी लोग बहुत इंटरेस्ट के साथ पढ़ते भी हैं, मेंडेलिज्म एंड सेक्स डिटर्मिनेशन। जैसे मेंडल्स ने अपने कौन कौन से लॉज दिए, क्या एक्सपेरिमेंट था उन्हें, कैसे सफलता मिली, इन सारी चीज़ों को हम लोग डिस्कस करेंगे, जिसमें इन्होंने अपना तीन जो लॉ है जिसमें हम लोग पढ़ेंगे, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ डोमिनेंस, इसके अलावा लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, इसके अलावा हम लोग पढ़ेंगे लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, इस पर भी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। मोनो हाइब्रिड क्रॉस क्या होता है, डाई हाइब्रिड क्रॉस क्या होता है, इनकम्प्लीट डोमिनेंसी क्या होती है, तो ये सारी चीज़ें हम लोग वन बाय वन करके डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज के वीडियो में हम लोग केवल इस सिलेबस पर ही डिस्कस कर पाएंगे, अगली जो आने वाली वीडियो हैं उस पर हम लोग आगे भी डिस्कस करेंगे। तो इसके अलावा हम लोग कम्प्लीट डोमिनेंसी, इनकम्प्लीट डोमिनेंसी, पेनिट्रेंस क्या होता है, एक्सप्रेसिबिलिटी क्या होती है, सेक्स डिटर्मिनेशन कैसा होता है, किस तरह से हम लोग ये डिसाइड करते हैं कि हमारा जो सेक्स है, यानी जो जो भी एम्ब्रियो बन रहा है वो आगे चल के मेल बनेगा या फीमेल बनेगा, इन सब का किस तरह से डिटरमाइन किया जाता है, ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे कहाँ पर, सेक्स डिटर्मिनेशन के अंदर। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पर डोसेज कंपनसेशन क्या होते हैं, किस तरह से अगर हमारे पास जो जो क्रोमोसोम्स, मान लो एक्स क्रोमोसोम की संख्या अधिक हो जाती है, तो इसको कैसे रेगुलेट किया जाता है, उसकी जो रेशियो है कैसे मेंटेन किया जाता है, उन सबको हम लोग डोसेज कंपनसेशन के अंदर देखेंगे। जैसे यहाँ पर जनरली क्या किया जाता है, या तो एक यहाँ पर, या तो हम लोग, चलिए यहाँ से, ठीक है, यहाँ से या तो हम लोग क्या करते हैं, इसके रेशियो को कम कर देते हैं, यहाँ इनको इनएक्टिवेट कर देते हैं, एक्टिवेट, या फिर दूसरा हम लोग ये कर सकते हैं, इसको इन्हांस कर देते हैं, इसका जो एक्टिविटी है उसको बढ़ा देते हैं, एक्सीलरेट कर देते हैं, जिसके वजह से इसका जो रेशियो है हमेशा बना रहता है, तो इसी को डोजेज कंपनसेशन कहते हैं। आगे हम लोग देखेंगे मेंडेलियन एक्सटेंशन, यानी इसमें क्या क्या चीज़ें, इसके पास एक्सेप्शन बहुत सारे आए कि जहाँ पर मेंडल्स का जो लॉ है वो फेल हो जाता है, तो इन सबको हम लोग न्यू मेंडेलिज्म के नाम से भी जानते हैं। जैसे यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे मल्टीपल एलील, मेंडल्स ने क्या कहा, मेंडल ने ये कहा था कि जो हमारे पास कोई भी कैरेक्टर्स है उसके लिए केवल दो ही एलील जो है रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जबकि ऐसा नहीं है, कई ऐसे कैरेक्टर्स देखे गए जहाँ पर दो से अधिक एलील भी मिल करके एक कैरेक्टर को रेगुलेट करते हैं। ठीक है, इसके अलावा जीन इंटरेक्शन क्या है वो भी हम लोग पढ़ेंगे, इसमें जीन इंटरेक्शन में हम लोग पढ़ने वाले हैं एलिलिक इंटरेक्शन, नॉन एलिलिक इंटरेक्शन पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग कोडोमिनेंसी, इसके अलावा मल्टीपल एलील, ये सारी चीज़ें यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। ठीक है, और इसी तरह से साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस है, साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस, मैटरनल इनहेरिटेंस,
इसमें क्या होता है, कई सारे जीन्स ऐसे होते हैं, मोस्टली जीन क्या होते हैं, मोस्टली जीन जो होते हैं वो न्यूक्लियस के द्वारा जो है वो ट्रांसमिट होते हैं वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। लेकिन कुछ जीन ऐसे भी होते हैं जो साइटोप्लाज्म के अंदर पाए जाते हैं, और साइटोप्लाज्मिक जीन होते हैं जो वो मदर के द्वारा ही ट्रांसमिट किए जाते हैं, क्योंकि जो साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म वो केवल मदर का ही ट्रांसफर होता है, यानी मदर का जो साइटोप्लाज्म उस साइट के अंदर जो साइटोप्लाज्म है वही ट्रांसफर होता है, कहाँ पर, वही ट्रांसफर होता है एम्ब्रियो के अंदर। एम्ब्रियो के अंदर इसमें हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे डेक्स्ट्रल और सिनेस्ट्रल होल ऑफ स्नेल का एग्जाम्पल देखेंगे, इसके अलावा और बहुत सारे एग्जाम्पल्स आगे हम लोग देखने वाले हैं इसमें, और भी देखेंगे इंटरेक्शन बिटवीन जीन और एनवायरनमेंट। जैसे मान लो कई सारे ऐसे करेक्टर अच्छे होते हैं, लेकिन वो अच्छे होने के साथ साथ जब तक उन्हें इन्वायरमेंटल कंडीशन अच्छा नहीं मिलता है तो उसका जो ग्रोथ है वो प्रॉपर मात्रा में नहीं हो पाता है, ठीक है। तो वो सारे फैक्टर्स हम लोग देखेंगे कि कैसे जो इन्वायरमेंट है वो इसको अफेक्ट करता है। चलिए इसी तरह से हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए एक कितना लास्ट यूनिट है, चलिए यहाँ से हम लोग यहाँ पर आएंगे यूनिट नंबर 7 में। यहाँ पर ह्यूमन कैरियोटाइप देखेंगे कि उनके जो क्रोमोसोम होते हैं उनके स्ट्रक्चर के बेसिस पर, उनके सेंट्रोमियर के पोजीशन के बेसिस पर, इन सब के बेसिस पर एक हम लोग डिक्रीजिंग ऑर्डर में इनके लेंथ के डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर देते हैं। तो इसका अरेंज करना ही क्या कहलाता है, कैरियोटाइप कहलाता है। इससे बना हुआ जो डायग्राम मिलेगा हमें उसे हम लोग आइडियोग्राम कहते हैं। इसके अलावा हम लोग क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज देखेंगे, इसमें एब्रेशन जैसे स्ट्रक्चरल क्रोमोसोम का एक स्ट्रक्चर में क्या चेंजेज आती हैं, उसमें उसके नंबर में कोई चेंजेज आते हैं तो उसमें बहुत सारे एबनॉर्मेलिटीज आती हैं तो उनको हम लोग देखने वाले हैं। पेडिग्री एनालिसिस इसको भी देखेंगे हम लोग, ऑटोसोमल डोमिनेंट, ये ऑटोसोमल रिसेसिव, ये सारी चीज़ें हम लोग देखने वाले हैं। इसके अलावा हम लोग आगे बढ़ते हैं यूनिट नंबर 8 में। यूनिट नंबर 8 में हम लोग देखेंगे कि जो है हमारा इम्यून सिस्टम किस तरह से काम करता है। इसमें हम लोग देखेंगे हमारे पास जो इम्यूनिटी है वो दो तरह के इम्यून सिस्टम हमारे पास पाए जाते हैं। इम्यूनिटी हमारी दो तरह की होती है, इननेट इम्यूनिटी, क्या लिख रहा है, दो तरह की इम्यूनिटी यहाँ पर होती है। एक तो इननेट इम्यूनिटी होती है, इननेट इम्यूनिटी, दूसरा एक्वायर्ड इम्यूनिटी। चलो ये सब हम लोग डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। जिसमें इननेट इम्यूनिटी हमारा जो बर्थ के टाइम से ही होता है उसे इननेट इम्यूनिटी कहा जाता है। जो आफ्टर बर्थ हमें डिफरेंट टाइप इन्वायरमेंटल कंडीशंस के वजह से हमें जो अचीव होता है उसे हम लोग एक्वायर्ड इम्यूनिटी कहते हैं। हाइपर सेंसिटिविटी क्या है, जिसमें एलर्जी वगैरह होता है वो एलर्जी के दौरान ये हाइपर सेंसिटिविटी आती है, इसको भी पढ़ने वाले हम लोग। तो एक एक करके हम लोग पूरे सिलेबस को डिस्कस करेंगे। तो ये था हम लोगों का जो सिलेबस है, इसको आज के क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया। अगली क्लास में जब भी हम लोग मिलेंगे तो कोई एक टॉपिक लेकर के हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये वीडियो देखने के लिए आप लोगों को धन्यवाद।